नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी पुलिस की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार की तरफ से पुलिस के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, अब से कुछ ही टाइम पहले आया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि इस बार की जो भर्ती है उसके अंदर आपको 6000 से ज्यादा पोस्टें देखने को मिलने वाली है और इन सभी पोस्टों के लिए सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों। ऑफिसर्स, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती होगी, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास मांगा जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन, लेकिन उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मैं livehindustan.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका और यहां पे सर्च किया हुआ है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2019 UPRPB टू रिलीज 6000 SI दरोगा वैकेंसी। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट। यहां पे देख सकते हैं कब का अपडेट है। अपडेट है July 18, 2019 और दोपहर के 12:14 पर अपडेट किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि यूपी पुलिस भर्ती 2019 UPPRPB इन पदों पर निकालेगा 6000 वैकेंसी। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक आधुनिक करने के साथ ही 5673 नए पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। इनमें 19 राजपत्रित अधिकारी होंगे, 209 पद सब इंस्पेक्टर और उसके अलावा इंस्पेक्टर और 573 पद सब इंस्पेक्टर के सृजित होंगे। इसके साथ ही 5091 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और साथ में यहाँ पे कांस्टेबल सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इन भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। DGP OP सिंह ने बुधवार को इस बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में खोलने के लिए प्रशासन का प्रस्ताव दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि DGP ने कहा कि बीते साल में 3195 सब इंस्पेक्टर और 75568 सिपाहियों की भर्ती की गई है। इसके अलावा अभी तक लापरवाह और अनुशासनहीन 364 पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दी गई है। इनमें 11 इंस्पेक्टर और 57 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्त के लिए बाकायदा कमेटी बनाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी अपडेट दे दी गई है और कैसे क्या स्क्रीनिंग हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में livehindustan.com का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग ये सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।